एक दफा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शकर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया, तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक अकबर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होता। मैं सदके या रसूल, सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाबे उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है, ओहो अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहू अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे, आप तबकात इब्ने साद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई, और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था यार, ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाबे उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के, हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर तीन नमाजें पढ़ूंगा इस शर्त पर मुसलमान होता हूं। फरमाया तीन ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुक अदा कर सकता है तो एक वक्त में चार निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, हाय हाय थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी, तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है? फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की, बिस्मिल्लाह इधर देखो, मेरे मुख्तसर सा खुतबा, दो अरफी बात,
हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात, दो हर्फ ही बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए, फरमाया अली सुन सबके लिए दूसरा निकाह जायज है पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा, मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहां पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल, मुकाबला नहीं हो सकता, बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असलां नाल जे नेकी करिए ते ओ नसलां ताक नहीं भुल दे, बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे।